What's up guys, I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. Code dekhe kitni shandar hai. Learn from the mistakes of others. You can't live long enough to make them all yourself. देखिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप एग्जांपल ले लीजिए एडिसन का, जिन्होंने बल्ब बनाया था. अगर उनका एग्जांपल ले तो उन्हें बोला जाता है कि उन्होंने हजारों बार एक्सपेरिमेंट किए, और हजारों बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब वो फेल हो गए तो तब जाके वो बल्ब को बना पाए. हालांकि उन्होंने बोला था कि मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मेरे पास 1000 रीजन है जिनसे ये पता चलता है कि बल्ब नहीं बनाया गया. तो वो तो उनकी पॉजिटिविटी थी, पर लेकिन अगर देखा जाए तो उन्होंने 1000 बार ट्राई किया तब जाके वो बल्ब बना चुके. 1000 क्या, 10000 बार भी बोल सकते हैं आप इसको. तो इसको अगर देखा जाए, अगर हम उनकी गलतियों से सीखे, जो उन्होंने जिस तरीके से वो बल्ब नहीं बना पाए, और हम फिर से वही ट्राई करना स्टार्ट करें, तो ये एक अच्छी बात नहीं होगी. आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, देखिए बल्ब वो बना के चले गए, आज की डेट में हमारे पास फिर ट्यूबलाइट आई और LED आ गई, तो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ना कि फिर से जाके बल्ब बनाने के तरीके खोज रहे हैं. तो हमने उनकी गलतियों से सीखा जो उन्होंने की, और अब हम क्या कर रहे हैं, उसके आगे चल रहे हैं, ना कि पीछे जाके उस पर फोकस कर रहे हैं. तो यही चीज हमको हमेशा लाइफ में भी करनी चाहिए. अगर मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई है, किसी रीजन की वजह से आप एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उन गलतियों को एनालाइज करो, और उन गलतियों के बारे में अपने दोस्तों को भी बताओ, अपने घर वालों को बताओ जो कि उस फील्ड में आना चाह रहे हैं, ताकि वो अपना टाइम उस तरीके से वेस्ट ना कर सके. काफी बंदे पूछते हैं यार मैं कुछ नहीं करता, सोसाइटी को किस तरीके से पे करूँ, सोसाइटी के लिए किस तरीके से मैं कुछ करूँ. तो इस तरीके से कर सकते हैं यार, आपने कुछ गलतियां की हैं तो दूसरों को वही गलतियां करने से रोक सकते हैं. तो ये भी सोसाइटी में आपका एक तरीके से पार्टी हो गया, ये भी आपने कंट्रीब्यूट कर दिया सोसाइटी को. तो इस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं. अगर यहाँ से कुछ पढ़ के जाते हैं तो किसी को पढ़ा दीजिए, उस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. इसके लिए थोड़ी ना है कि कोई बहुत बड़ी काम करने बहुत बड़े काम करने जरूरी है, तभी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन होगा आप लोगों का. ओके, तो आज सेकंड में है, देख लेते हैं हमको कौन से द हिंदू के आर्टिकल डिस्कस करने हैं. ये वाला जो साइड का आर्टिकल है, फर्स्ट वाला, इस वाले आर्टिकल में लोकपाल से रिलेटेड डिस्कशन किया गया है. देखिए लोकपाल जो है वो एक्ट पास हो चुका है, पर लेकिन आज तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है. उसका क्या रीजन है, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से. ये वाला आर्टिकल हमने पीछे भी कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि देखिए एग्रीकल्चर के ऊपर इनकम टैक्स लगाने की बात चल रही थी, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल आया कि ये एक तरीके से न्यूज में चीजें आ चुकी हैं. अब सोचा जा रहा है कि इसके ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाए या ना लगाया जाए. हालांकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया कि ये स्टेट का सब्जेक्ट है, फिर भी इसके ऊपर एक डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि बहुत से अमीर फार्मर हैं, उनके ऊपर तो कम से कम टैक्स लगना चाहिए. तो कुछ ऐसे ही इस आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है. ओके, ये वाला आर्टिकल छोटे भैया से रिलेटेड है, देखिए दिखाया भी गया है, जो कि नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं. तो कंप्लीट काफी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं एक ओवरव्यू यहाँ पे बताई देता हूँ आप लोगों को, फिर से आप लोगों का रिविजन हो जाएगा. ठीक है ना, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, वही सारी चीजें घुमा फिरा के बोली गई है यहाँ पे. तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पहले एक बार आप लोग मैप देख लीजिए. यहाँ पे मैप में ये हो गया हमारा नॉर्थ कोरिया, ये ठीक है ना, नीचे हो गया साउथ कोरिया. तो देखिए थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं. पहले यहाँ पे जो आर्टिकल में दे रखा है, आपको हल्की सी हिस्ट्री बता देता हूँ. एक टाइम हुआ करता था, देखिए जहाँ पे भी, मतलब जब उसको हम कोल्ड वार का जो टाइम बोलते थे, कोल्ड वार मतलब ठंडी वार. ठंडी वार मतलब आमने सामने फील्ड में न आके बस वही है, बातों से लड़ाई करना, हथियारों से लड़ाई, मतलब एक तरीके से अगर इन्होंने यूएसए के और मैक्सिमम यूएसएसआर के बीच में चल रहा था ये, तो यूएसएसआर में बहुत सारी कंट्री हुआ करती थी उस टाइम पे. तो मान लीजिए इन्होंने कोई हथियार बना लिया, तो ये भी अपना हथियार बनाएंगे. कोई नई कंट्री आजाद हुई है, ये सोचेंगे हमारी साइड में मिल जाए, ये सोचेंगे हमारी साइड में मिल जाए. कुछ भी कुछ नया हो रहा है, अगर इन्होंने कुछ नया बना दिया तो ये भी उसकी खोड़ में लग जाते थे कि हमको भी वो नया बनाना है. तो एक तरीके से इनके बीच में वार चल रही थी, पर लेकिन ग्राउंड में नहीं लड़ रहे थे, एक दूसरे के ऊपर हथियार नहीं फेंक रहे थे, पर लेकिन वैसे एक दूसरे से, मतलब ऊपर से साइड में इनके पॉलिटिशियन अलग उनके ऊपर कटाक्ष किया करते थे, ये इनके ऊपर कटाक्ष किया करते थे. तो इस तरीके से फेस टू फेस ना आके साइड में चीजें चलती रहना, तो इसको कोल्ड वार बोलते हैं. ठीक है ना, तो ये कोल्ड वार का एरा चलता रहा. तो ये कोल्ड वार का एरा जो खत्म हुआ वो 1991 में खत्म हुआ. तो यहाँ तक खत्म होने से पहले इन्होंने बहुत सारे काम कर डाले आपस में. तो वो क्या क्या थे, इसमें से बहुत सारे तो अलग थे, उन पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा अभी. जो अभी फोकस रहेगा वो इस पे रहेगा. देखिए ये यहाँ पे पूरा कोरिया पेनिनसुला है. ठीक है ना, तो कोरिया में यहाँ पे जो ऊपर वाला है ये तो इन्फ्लुएंस में आ गया, जो कि कम्युनिस्ट वाली आइडियोलॉजी होती है, आप लोग बोल सकते हैं जो कि यूएसएसआर वाली आइडियोलॉजी होती है. तो ये तो इनके अंडर में आ गया. ठीक है, और जो नीचे वाला था ये कि एक कैपिटलिस्ट वाली आइडियोलॉजी में आ गया, मतलब एक प्रॉफिट बेस पे काम करना है और अपना, मतलब एक पूरा रिसोर्सेज को यूज करना है. कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है, कैपिटलिस्ट का मतलब यही होता है ना कि जितना आपने कमाया, जितना प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट को फिर से इन्वेस्ट कर दो, फिर उससे प्रॉफिट कमाओ, फिर उससे इन्वेस्ट कर दो, तो इस तरीके से बढ़ते चले जाओ. ठीक है ना, तो काइंड ऑफ इकोनॉमी जो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है. और कम्युनिस्ट में क्या होता है, कम्युनिस्ट में यही रहता है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कितनी रोटी, कितनी ब्रेड रोटी के पैकेट बनाने हैं, कितने दूध के पैकेट बनाने हैं, कौन कौन सी मशीन यहाँ पे लेके आनी है. तो वो सारी जो भी चीजें होती है गवर्नमेंट डिसाइड करती है, डिमांड एंड सप्लाई वाला ज्यादा फंडा नहीं रहता है यहाँ पे. ओके, तो ये क्या हुआ, नीचे वाली कंट्री किसके में आ गई, यूएसए कंट्रोल में, कंट्रोल में ही बोल सकते हैं एक तरीके से, और ऊपर वाली आ गई
एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के, तो इनकी दोनों के बिल्कुल डिफरेंस खिंच गया दोनों के बीच में। अब उनका अलग फंडा चल रहा है उस दिन से लेके, इनका अलग फंडा चल रहा है। इस वाले को हमेशा सपोर्ट करता है यूएसए और ऊपर वालों को हमेशा सपोर्ट करता है चाइना, और आप लोग रशिया बोल सकते हैं। हालांकि आज की डेट में चाइना ज्यादा सपोर्ट कर रहा है एज कम्पेयर टू रशिया। तो तब से लेके आज तक यहाँ पे मतलब बवाल मचा हुआ है हमेशा से। यूएसए ने कई बार यहाँ पे मतलब इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन बन जाती है। कई बार यूएसए ने कई बार सोचा भी है कि मतलब इनको कैप्चर कर लिया जाए, हिस्ट्री में ये कई बार हो चुका है। तो फिर से उधर से यूएसए आ जाता है, वो रशिया आ जाता है ऊपर से, और फिर चाइना आ जाता है, फिर से वापसी जाना पड़ता है क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन बन जाती है। तो इस तरीके की सिचुएशन बहुत बार चलती रही है। तो अब जो आर्टिकल में है वो क्या है, देखिए ये सिचुएशन पुरानी है। आज की डेट में क्या है, ये जो ऊपर वाले लीडर है यहाँ पे, जब 2011 में इनके पप्पा एक्सपायर हुए तब से लेके इनके हाथ में चार्ज है, और उस टाइम पे ओनली उस टाइम पे 2011 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे ये ओनली 27 ईयर के थे, ठीक है ना। तो 27 ईयर के थे, तो आज कितना हो गया 2017, तो आज कितने हो गए लगभग 33 ईयर के। तो 33 ईयर में एक कंट्री को संभालना, ठीक है ना, तो एक सोचने वाली बात हो जाती है, और खासकर एक ऐसी मेंटेलिटी के साथ में जो कि एक बहुत ही रिजिड मेंटेलिटी है। मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जिस तरीके की ड्रेस पहनते हैं, जिस तरीके के बाल कटाते हैं, तो वो भी बोलते हैं कि मेरे तरीके के बाल कटाओ। तो इस तरीके से किसी कंट्री को चलाया नहीं जाता है, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी सिचुएशन रहती है। तो ये हमेशा क्या करते हैं, ये हमेशा वहाँ पे डिक्टेटर का रोल प्ले करते हैं, बहुत ज्यादा कुछ भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो वो एक साइड हो गई, पर लेकिन दूसरी साइड जो करने वाली है, ये मैंने बैकग्राउंड आप लोगों को इसलिए बताया तो कि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए। तो अब हम चलते हैं आगे। अब आज की डेट में क्या है, ये हमेशा से न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं आज तक ये। तो हर बार जो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करते हैं वो हमेशा यूएसए के साथ में थ्रेट देते हैं यूएसए को कि हम आपके ऊपर छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये रहता है कि देखिए यूएसए ने कई सारे काम किए पिछले कुछ टाइम में। इराक में ले लीजिए, इन्होंने वहां पे बर्बाद करके लग दिया जो कि गद्दाफी वाला एरिया था। तो इन्होंने कई सारे ऐसे काम किए हैं। ऊपर वियतनाम में ले लीजिए, किस तरीके से कंडीशन बना दी थी यूएसए ने। तो ऐसी कुछ कंडीशन ये हमारे साथ ना बना सके। अगर उस टाइम पे इनके पास न्यूक्लियर पावर होती, ईरान के पास में, इराक के पास में, जो कि ईरान में भी आज की डेट में कंडीशन बनी है, ईरान को भी न्यूक्लियर पावर इसीलिए नहीं बनाने दे रहे क्योंकि उनको सप्रेस किया जा सकता है। पर लेकिन इनके साथ में आज के डेट में ये न्यूक्लियर पावर है, तो इनके साथ में इनको सोच के बात करनी पड़ती है। तो अगर उस टाइम पे वियतनाम के पास में भी न्यूक्लियर पावर होती, तो इस तरीके की कंडीशन यूएसए इनके साथ में क्रिएट ना करता। तो यही बात है कि यहाँ पे कंडीशन इसलिए खराब होती जा रही है, ये अपना न्यूक्लियर पावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं डिटरेंस के लिए, ताकि यूएसए आके इन पे दादागिरी ना चलाए। तो वो जो डिटरेंस की बात चल रही है, तो तब तक बराक ओबामा जी थे तब तक अलग कंडीशन चल रही थी, पर लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप आ गए। उन्होंने बोला आते ही, पहले तो उन्होंने बोला कि इंटरफेयर नहीं करूंगा, आज उनकी स्टेटमेंट चेंज हो चुकी है। अब वो कह रहे हैं कि देखिए मैं इनको समझा चुका हूँ, ये एक मतलब इन्होंने बहुत सारे बच्चों वाले काइंड ऑफ वर्ड भी यूज किए इनके लिए कि ये अभी बच्चे हैं, इनको ज्यादा समझ नहीं है, मतलब इस तरीके के भी वर्ड यूज हुए हैं कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो। तो वो भी एक तरीके से चिढ़े बैठे हैं, उनको पता है कि ये हमको कुछ तवज्जो देते नहीं है, और हमारे पास हथियार नहीं होंगे तो कल को आके हमारे सर पे बैठ जाएंगे, इसलिए वो अपना पूरे एग्रेसिव मोड में रहते हैं। तो देखिए इसी तरीके से, और खासकर जो ऊपर वाले नॉर्थ कोरिया की और साउथ कोरिया की आपस में लगी रहती है, तो इसीलिए भी ये क्या करता है, हमेशा यूएसए साउथ कोरिया को सपोर्ट करता है। तो इसने यहाँ पे अपना थर्ड सिस्टम भी जाके लगा दिया था जो कि मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने वाला था। तो जैसे वो थर्ड सिस्टम यहाँ पे लगाया गया इनके द्वारा जाके, तो चाइना और रशिया वाले परेशान हो गए, कह रहे आज तो आप ये लेके आ रहे हैं, कल को फिर कुछ और लेके आएंगे यहाँ पे। तो टेंशन जो है इस वाले एरिया में बढ़ती ही बढ़ती जा रही है इन सब चीजों को देखते हुए। अब ट्रंप क्या बोल रहे हैं, ट्रंप बोल रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अफगानिस्तान में बम डाला था अभी, और उसी तरीके से जिस तरीके से उन्होंने सीरिया में उसी तरीके से इन्होंने कंडीशन बनाई थी, तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि इसी तरीके से टैकल किया जाएगा नॉर्थ कोरिया के साथ में। तो जैसे ही उन्होंने बोला, नॉर्थ कोरिया वाले और एग्रेसिव हो गए, उन्होंने और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट कर दिए। तो ये देखिए अब जो आर्टिकल लिखने वाले हैं वो क्या सजेशन दे रहे हैं, वो ये सजेशन दे रहे हैं कि ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है। अगर आप ये ऐसा सोल्यूशन हुआ करते तो पता नहीं अब तक कौन कौन से सोल्यूशन निकल जाते हैं, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन जो निकलेगा इसका डायलॉग से निकलेगा, बात से निकलेगा, और उसके तहत आप लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो जो इनके पास है जैसे कि चाइना हो गया या फिर रशिया हो गया, उनसे अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए आपके। हालांकि ट्रंप ने ये वाला स्टेप्स भी लिया है, उनसे अच्छे रिलेशन बनाया, तो चाइना और रशिया के साथ में अच्छे रिलेशन बनाइए। और सबसे बड़ी बात है, देखिए एक बात होती है वो ये होती है कि अगर आज की डेट में भी या कभी भी अगर आप लोग देखिए लड़ाई से या फिर मार धार से कभी भी कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। आप जम्मू और कश्मीर का ले लीजिए एग्जाम्पल, वहां पे हालांकि मैं सारे मतलब कमेंट भी पढ़ रहा था, मैंने देखा बहुत सारे कमेंट आए हुए थे पर्टिकुलर कमेंट के ऊपर, तो मैंने वो सारे कमेंट पढ़े हैं बहुत अच्छे से। देखिए कोई भी किसी की ग्राउंड लेवल सिचुएशन नहीं समझ सकता है, वही बात हो गई ना जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी बच्चे को पैदा करती है और कोई दूसरा आदमी उसको जाके बोले
कि मैं तेरी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, तो वो नहीं समझ सकते हैं। अब जम्मू कश्मीर में रियलिटी क्या है, वहां पे मीडिया कुछ दिखाती है, गवर्नमेंट कुछ बोलती है, और देखा जाए तो मतलब एक्चुअली रियलिटी उनको पता है ना जो वहां पे है। प्रोटेस्ट करने वाली बात देखो तब निकल के आती है जब कोई चीज एक्सट्रीम में हो लेती है, ठीक है। उससे पहले कोई भी प्रोटेस्ट करना नहीं चाहता। आप ही पूछिए, अगर आपको घर से निकलने के लिए कोई बोले जाए कि घर से निकलिए आप प्रोटेस्ट करिए, आप जाएंगे क्या निकल के? नहीं जाएंगे, तब तक कि कंडीशन बहुत खराब ना हो जाए। एक इसका एग्जाम्पल आप अन्ना के मूवमेंट से भी ले लीजिए, जो अन्ना जी ने मूवमेंट चलाया था उस टाइम पे दुनिया बाहर निकल के क्यों आई? केल गोट स्कैम, पता नहीं CWG, इतने सारे स्कैम्स हो गए उस टाइम पे, तब इतनी पब्लिक निकल के रोड पे आई। उससे पहले क्यों नहीं आई पब्लिक निकल के? तो पब्लिक निकल के रोड पे तब आती है जब उनके साथ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा होता है, ठीक है ना। समझते हैं सब बच्चे नहीं है आज के डेट में। तो मैंने वो सारे कमेंट पढ़े। देखिए मैं यहाँ पे व्यूज जो रखता हूँ वो ओनली आर्टिकल्स का रखता हूँ, ठीक है ना। मेरा पर्सनल व्यू नहीं रहता, पर्सनल व्यू मैं इसलिए नहीं रखता हूँ क्योंकि फिर कंट्रोवर्सी ज्यादा हो जाएगी कि ये क्या सोच रहा है। हमेशा जो एक पढ़ाने वाला बंदा है मेरे हिसाब से उसको न्यूट्रल रहना चाहिए, तो मैं इसलिए थोड़ा न्यूट्रल रहने की कोशिश करता हूँ, वरना मुझे पता है असलियत में क्या हो रहा है, वो चीजें मैं भी सब जानता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए जितना मतलब चीजों को अपनी साइड से यार अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं। अपने हाथ में जितनी चीज होती है हम उस मतलब वही होता है ना, जितने पैर होते हैं उतनी चादर फैलानी चाहिए। तो हम लोगों के हाथ में जितना है हम उतना अपना वर्क कर सकते हैं। आप लोगों के जितने जम्मू कश्मीर में लोग रहते हैं, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि आप अपने लेवल पे सही करने की कोशिश कीजिए। आप नेशनल मूवमेंट का ले लीजिए, अगर देखिए उसको थोड़ा नेगेटिव में मत लीजिएगा, मैं ओनली जस्ट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूँ। एक साइड में ब्रिटिश थे और दूसरी साइड में हमारी कंट्री थी, तो अगर आप उसको इस तरीके से ले लीजिए तो महात्मा गांधी जी वाला अगर कॉन्सेप्ट लगा के चले, मतलब एक तरीके से नॉन एग्रेसिव वाला, मतलब कब तक आपके ऊपर अगर आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके से अत्याचार करती है, कब तक करेगी? अगर आप वहां पे कुछ चीजें ऐसी बन जाए, मतलब माहौल ऐसा बन जाए कि आप इनको अपोजी ना करो, जो भी करते हैं करने, तो कब तक वो करेंगे? तो उस तरीके की सिचुएशन भी की जा सकती है। देखिए एक सजेशन है ओनली, ठीक है ना। तो ये मैं इसीलिए कमेंट भी नहीं करता हूँ इस किसी चीजों पर, फिर वो थोड़ा सा अलग साइड में चली जाती है चीजें। तो बस ये देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी तरीके से हमको अपनी कंट्री में शांति रखनी है, और हमको एक अच्छी शांति बना के हमको मिलजुल के काम करना है यार। सब आखिरी आदमी है, सब एक ही तरीके से हवा लेते हैं, एक ही तरीके से खाना खाते हैं, सब एक ही तरीके के आदमी है, तो उसमें इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑफ व्यू देखिए सब अपना रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वही है कि नेगेटिव न जाए किसी भी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि बहुत अच्छा डिस्कशन किया उस पर नीचे, मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे वो कमेंट पढ़ के, ठीक है। तो ये इसी तरीके से यहाँ पे बोल रहे हैं, ये ओनली देखिए ये एक्स्ट्रा बात नहीं है, इससे कनेक्टेड ही मैं बातें बता रहा हूँ यहाँ पे, कभी कोई लगे कि ये फालतू की बातें बताने लगता है बीच में। तो देखिए ये वाला जो हो गया आर्टिकल, इसके बारे में मैं यही बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे भी यही बातें बोली गई हैं कि बातों से चीजें सुलझाई जा सकती हैं, एज कम्पेयर टू अगर आप एग्रेशन दिखाएं, आप उनको बोलेंगे हम आपके ऊपर आक्रमण करेंगे नॉर्थ कोरिया के, तो वो एक नया और तरीका सोचेंगे किसी भी चीज को हैंडल करने का, ठीक है ना। बच्चे को कभी भी मारपीट से नहीं सुधारा जा सकता, उसको प्यार से सुधारा जा सकता है हमेशा। अगर आप उसके साथ प्यार से पेश आएंगे, अगर उसको बोलेंगे देखिए अगर वहां पे आप इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाएंगे, तो कल को अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाएंगे तो उनकी जनता को भी वहां फायदा होगा, जनता को वहां पे फायदा होगा तो जनता उनकी और इज्जत करेगी, और वहां पे जनता उनकी इज्जत करेगी तो वो और ज्यादा मतलब एक्साइटेड होंगे, और ज्यादा अपना रिलेशन बढ़ाने के लिए, अच्छा इन्वॉल्वमेंट बनाने के लिए वहां पे। तो कहीं ना कहीं मतलब वर्ल्ड भी इनके साथ में गलत कर रहा है, नॉर्थ कोरिया वालों के साथ में, क्योंकि उनको इस तरीके से ट्रीट कर रहा है, उनको सेग्रीगेट कर दिया, कोई उनके साथ में बात नहीं कर रहा है, तो उनके अंदर भी उस तरीके की फीलिंग आती है ना, जब कोई बात नहीं कर रहा है तो यार मरो या मारो, तो वो फीलिंग उनके अंदर आती है। तो इसी तरीके कहीं ना कहीं मतलब आप लोग देख सकते हैं सब जगह जहां पे भी एग्रेशन दिखेगा वहां पे इस तरीके की फीलिंग दिखेगी कि हमको सेपरेट किया जा रहा है, कहीं ना हमारी सुनी नहीं जा रही है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। तो वही सब चीजें हर जगह निकल के आती है, ठीक है ना। मैं फिर से यही बोलूंगा, ये सारे व्यूज जो रहते हैं वो आर्टिकल में लिखे रहते हैं, प्लीज मेरे खुद के व्यूज यहाँ पे नहीं रहते हैं, तो मैं ओनली वो चीजें डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो यही इन्होंने सजेशन बोला है, उनके साथ बात करो, उनके साथ में मिलिट्री के कोऑपरेशन के, मिलिट्री को साइड में रखो, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाओ, वहां पे डेवलपमेंट के बारे में बात करो, तो तब जाके इसको सुधारा जा सकता है, वरना नॉर्थ कोरिया का कोई सोल्यूशन नहीं है, वरना आने वाले टाइम में कुछ और ही सिचुएशन देखने को मिलेगी, ठीक है ना, अगर यही कंडीशन चलती रही तो। के मैथ्यू, ये वाला नीचे वाला आर्टिकल के मैथ्यू जस्टिस से रिलेटेड है। देखिए उनके 25th एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी है, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल है, तो उनके बारे में तो चीजें डिस्कस की गई है, वो एक अलग चीज है। मैं इससे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे जो जिक्र किया गया है वो केशवानंद भारती, केशवानंद भारती केस के बारे में जिक्र किया गया है। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट केस है इंडियन जुडिशरी की हिस्ट्री में, या फिर इंडियन की इंडिया की हिस्ट्री में भी आप लोग बोल सकते हैं, जिसने बहुत ही अच्छे तरीके पे एक बिल्कुल मतलब पावर को चेंज करके रख दिया। यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल गया है बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट निकल गया है। इससे पहले कई सारे केस आए आए थे, आप लोगों ने सुना होगा गोलकनाथ का भी केस आया था 1967 में, तो एक ये वाला केस आया था। तो यहाँ पे केस था, यहाँ पे अलग परसेप्शन था, तो फिर यहाँ से सारे परसेप्शन चेंज हो गए जब ये केस निकल गया है, ठीक है ना। ये वाला केस 1973 में निकल गया था, ठीक है, 1973 में जब ये वाला केस निकल गया है, तो इस वाले केस के हिसाब से कंप्लीटली चेंज हो गई सारी चीजें। फिर से यहाँ से निकल के आया एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट।
तो जो बेसिक इंस्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट था वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे फिर डिसाइड किया गया, क्या डिसीजन निकल गया है, डिसीजन ये निकल गया है उस टाइम पे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट किसी भी हद तक चेंज कर सकती है, जहां तक चाहे, बट किंतु परंतु अपितु बल्कि, ये क्वेश्चन मार्क लग जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन मार्क क्या है? क्वेश्चन मार्क ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर एक नाम की चीज है, उसको कभी भी चेंज नहीं कर सकती है पार्लियामेंट। कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ चेंज कर सकती है पर बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है, मतलब ढांचा नहीं बदल सकती है। जिस तरीके से 1975 में हम बोलते हैं कि एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन निकल के आया था सामने, जो अमेंडमेंट आया था 1976 में, उस टाइम पे इमरजेंसी लगी हुई थी तो 42nd अमेंडमेंट निकल गया था। तो 42nd अमेंडमेंट ने को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोला जाता है, उसने इतने सारी चेंजेस कर दिए उसमें कि बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिली वहां पे। तो फिर जब ये चीज, ये बात निकल के आई, ये इसीलिए बोला गया कि अब कुछ भी हो, देखिए कुछ भी चेंज कर लीजिए, आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर, ये तो कॉन्सेप्ट अलग हो गया, इसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, ये बात निकल के आती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर ये जुडिशरी के हाथ में, अब आप बोल सकते हैं जुडिशरी के ग्राउंड में बोला गई, जुडिशरी ने बोला कि ये ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसको बोल दें कि ये वाली बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये केस टू केस डिसाइड की जाएगी, हर एक केस के हिसाब से डिसाइड की जाएगी कि केस के हिसाब से कि यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कौन होता है, और ये जुडिशरी के हाथ में रहेगा कि वो खुद डिसाइड करेंगे ये बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है, जैसे कि आप एनजीएसी ले लीजिए, जो कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था, तो उसको क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। क्यों कर दिया उसको? बेसिक स्ट्रक्चर की वजह से। क्यों? क्योंकि सेपरेशन एक पावर, सेपरेशन ऑफ पावर वाला एक कॉन्सेप्ट लगता है कि सबकी अलग अलग पावर है, कोई भी किसी के फील्ड में जाके नहीं कर सकता। इससे जो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंसी है वो हर्ट हो रही थी, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट बोल रही थी कि हम अपॉइंटमेंट करेंगे जजों को, तो उन्होंने उसको खारिज कर दिया। तो ये देखिए बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट अब इस केस पे डिसाइड किया गया, वो जुडिशरी के द्वारा डिसाइड किया, इसीलिए हर एक केस जो कोई भी आएगा वो जुडिशरी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। और जो अमेंडमेंट की पावर होती है वो आर्टिकल 368 के अंदर आती है। तो अमेंडमेंट करना, देखिए फंडामेंटल राइट के ऊपर बात आती है, फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत बार माइंड में आता है और ये पूछा भी जाता है, हाँ इसको कर सकते हैं, आप लोगों को याद रखना है फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं बट बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते हैं। कुछ भी बात आ जाए आज की डेट में, ये कॉन्सेप्ट है कि बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है कई बार, कर सकते हैं क्या यार, किया गया है, प्रीएम्बल को अमेंड किया गया है, उसी के तहत उसमें कई सारे सेक्युलर वगैरह जो इंटीग्रिटी वर्ड डाले गए हैं वो अमेंड करके ही उसमें डाले गए हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, कन्फ्यूजन आप लोगों के माइंड में क्रिएट कर देते हैं, तो इन सब कन्फ्यूजन को दूर रखिए। तो ये सारे एप्लीकेबल है और अवेलेबल भी है सब जगह, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको अमेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा जिक्र यहाँ पे आर्टिकल 329 के बारे में भी जिक्र किया है। तो 329 में आप लोग एक बार देख लीजिए, आपको बस कम से कम पता होना चाहिए कि इस आर्टिकल में है क्या। इस आर्टिकल में लिखा गया है कि जो इलेक्ट्रोल प्रोसेस होता है, जो इलेक्शन वगैरह होते हैं, उसमें कोर्ट को इंटरफियर करने से मना किया गया है इस आर्टिकल के तहत, बार टू इंटरफियरेंस बाय द कोर्ट इन द इलेक्ट्रोल प्रोसेस। तो ये इस आर्टिकल में लिखा हुआ है, पर आर्टिकल 329A जो है उसके अंदर लिखा हुआ है कि स्पेशल प्रोविजन एज द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट इन द केस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द स्पीकर। तो प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर से रिलेटेड यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन दे, देखिए अगर उनके इलेक्शन हो रहे हैं तो कोई उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, हालांकि इसको रिपील्ड कर दिया गया था, ठीक है ना। कि देखिए ये सारी चीजें, अगर आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊं तो ये सारी चीजें इमरजेंसी के टाइम की बातें हैं, तो उस टाइम पे उथल पुथल किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसलिए ये सारी चीजें इधर उधर कर दी गई थी, बाद में इनको सबको सेटल डाउन कर दिया गया। ओके, ये साइड वाला आर्टिकल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है तो ये वाला डिस्कस नहीं करना है। ये वाला आर्टिकल सुकमा में अभी जो अटैक हुआ था सीआरपीएफ के जवानों पर, और वहां पे हमारे पर लगभग 25 जवान शहीद हो गए थे, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल, इसको देखेंगे कि रीजन क्या रहा है, उसको डिस्कस किया गया है, ठीक है। ये वाला आर्टिकल इंडिया, टर्की और साइप्रस, जिसके बारे में हम कई बार जिक्र कर चुके हैं। तो तीनों लीडरों की जो पास्ट में कुछ गलतियां करी हैं उनके बारे में बताया गया है। तो गलतियां करी गई यार, मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं फालतू में एक तरीके से, कि जम्मू कश्मीर को लेकर जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जिक्र किया गया है, और जो टर्की और इनके दोनों साइप्रस हैं इनके बारे में बोला गया कि वेस्टर्न प्रो थे, वेस्टर्न कंट्री की तरफ को ज्यादा मुड़े थे, तो वो चीजें कुछ डिस्कस और यहाँ मतलब इसी तरीके से डिस्कस कर रखी है, कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे तो। बस हाँ, कि अगर आप इंटरेस्टेड है कि जानने में कि क्या क्या गलती की है, हालांकि देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अच्छा नहीं है ये, ठीक है। ये वाला आर्टिकल अभी तीन कंट्री में इलेक्शन होने वाले हैं तो उससे रिलेटेड है, कौन कौन सी तीन कंट्री है वो, इलेक्शन नहीं होने वाला, इलेक्शन ही निकल रहा है मुझसे, मतलब जिक्र क्या किया गया कि इलेक्टेड, इलेक्शन नहीं इलेक्टेड, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है तीन तीन कंट्री का यहाँ पे जिक्र किया गया है। एक तो हो गया तुर्की, दूसरा हो गया यूक्रेन और तीसरा हो गया ब्राजील। तो यहाँ पे ये तीन चार चीजों का जिक्र कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा, क्या बोल रहे हैं कि एक साइड में होती है इलेक्टेड गवर्नमेंट,
ठीक है ना, और दूसरी साइड में होती है जो कि ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट होती है। तो इन्होंने बोला है कि ये माना जाता है कि यार कहीं पे कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो वहां पे क्या करती है, जो ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट है, जो बहुत ज्यादा ऑथोरिटी वाली रहती है, मतलब एक तरीके से लोगों की प्रोटेस्ट जहां पे भी होता है अगर इस तरीके की गवर्नमेंट में, तो क्या होता है वहां पे उसको सप्रेस कर देते हैं, मतलब जरा सा भी हुआ एकदम सप्रेस कर देते हैं। इलेक्टेड गवर्नमेंट में इस तरीके की चीजें देखने को नहीं मिलती है, पर लेकिन आज की डेट में जो इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें भी ये चीज देखने को मिल रही है। तो वो आप लोग सबसे अच्छा एग्जाम्पल आज हाल फिलहाल का आप लोग टर्की में देख सकते हैं। टर्की में जिस तरीके से प्रोटेस्ट वहां पे हो रहे थे, सबको उठा के जेल में डाल दिया गया, क्या कंडीशन हुई है, तो उसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो किस तरीके से आज की डेट में जो डेमोक्रेसी है वो चेंज होती जा रही है, डेमोक्रेसी भी ऑथोरिटेरियन की तरफ को मुड़ती जा रही है। तो ये वाला इस आर्टिकल में लिया है, तो तीन एग्जाम्पल दिए कि 2013 में यहाँ पे हुआ है पुराने टाइम में, तो उनको भी थोड़ा कंपेयर किया है पुराने वाले टाइम का। तो देखिए वहां पे क्या हुआ है, बस थोड़ा सा हम लोगों को इतना पता होना चाहिए कि चल क्या रहा था और आज की डेट में क्या चल रहा है, क्योंकि टर्की के जो प्रेसिडेंट है वो हमारी कंट्री में आए। हमने कल साइप्रस वाला इशू डिस्कस किया था, साइप्रस के सामने हमने कई सारी, साइप्रस को सपोर्ट करने के लिए हमने कई सारी चीजें बोली कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, पर लेकिन जैसे हमने वहां पे बोली थी, अब आते ही क्या हो गया, अब आते ही शायद जो वहां पे, जो यहाँ पे तुर्की के वो आए प्रेसिडेंट आए, उन्होंने बोल दिया कि आप हमारे में वहां पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम आपके उसमें इंटरफेयर करेंगे, हम मतलब आप जम्मू कश्मीर वाला इशू सोल्व करने की कोशिश करवाते हैं आपकी। ये वाला सब हम डिस्कस किया था ना कल, हमने जब वो चीजें देख रहे थे हम, ये हो गया यहाँ पे टर्की, तो इसने आधे साइप्रस को कब्जे में कर रखा है। तो जैसे हमने इसको बोला था, साइप्रस के प्रेसिडेंट आए थे कि हम आपकी हेल्प करेंगे, उसीलिए टर्की ने बोला कि हम आपकी हेल्प कर देते हैं। तो वही सब चीजें यहाँ पे उसी तरीके से बोली गई है कि आज की डेट की जो डेमोक्रेसी है वो किस तरीके से जनता को सप्रेस कर रही है, तो उसके बारे में जिक्र किया गया है यहाँ पे। ओके, अब इस वाले आर्टिकल को देख लेते हैं। यहाँ पे जिक्र किया गया लोकपाल, लोकपाल बोलते हैं जनता का रखवाला एक तरीके से, ठीक है ना। तो लोकपाल के जो लॉ है उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। एक्चुअली वो पास तो हो चुका है 2013 में, एक्ट बन चुका है, पर आज आज आ चुके हैं हम 2017 में। तो 2017 तक भी, आज की डेट तक भी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया है? देखिए कोर्ट कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करने में रिलेक्टेंस है, वो इम्प्लीमेंट इसको करना ही नहीं चाह रही है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर एक आदमी आके बैठ जाएगा जो उनको देख रेख करेगा और जिसके हाथ में बहुत ज्यादा पावर रहेगी। हालांकि पावर जो है इन्होंने बहुत सारी तो खत्म कर दी है। हम लोगों ने देखा था लास्ट, जब लास्ट टाइम आर्टिकल डिस्कस किया था, कि जितने भी आज जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं उनकी सैलरी वगैरह मतलब बताने के लिए बोली गई थी, और उनपे कभी भी एक्ट कर सकता है लोकपाल, ये भी बात थी। तो गवर्नमेंट ने वो एक्ट हटा दिया उसमें से, कि अगर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के खिलाफ लोकपाल कोई एक्शन ले रहा है तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। एक तो ये बात इन्होंने चेंज कर दी थी, हालांकि इस आर्टिकल में नहीं दे रखी है, वो मैं रिविजन करा रहा हूँ। दूसरी ये बात थी कि अगर कोई रिटायर भी हो गया है उसके खिलाफ भी अगर कोई केस चल रहा है तो तब भी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब रिटायर्ड ऑफिशियल्स को भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करा दी गवर्नमेंट ने। क्यों? क्योंकि देखिए अगर कोई ऑफिशियल कुछ कर रहा है वो गवर्नमेंट के नाम पर ही करता है, अगर उनके ऊपर कुछ इस तरीके की दिक्कत आएगी तो वो गवर्नमेंट के हिसाब से काम नहीं करेंगे, वो रूल और रेगुलेशन के हिसाब से काम करेंगे। तो इसीलिए उसको डायल्यूट कर दिया गया है ताकि वो उनके हिसाब से सुनते रहे, क्योंकि अगर उनको खतरा रहेगा कि कल को जेल में उठा के डाल देंगे तो थोड़ी ना फिर गवर्नमेंट के हिसाब से काम करेंगे, तो वो रूल और रेगुलेशन के हिसाब से काम करेंगे, और अगर रूल और रेगुलेशन के हिसाब से काम करेंगे तो फिर गवर्नमेंट का काम कैसे चलेगा। तो वो सारी चीजें लास्ट आर्टिकल में हम लोगों ने डिस्कस करी थी। तो अभी ये क्या बोल रहे हैं, अभी ओनली ये चीज भी हालांकि लास्ट आर्टिकल में डिस्कस हो चुकी है, अभी फिर से थोड़ा सा और यहाँ पे क्लियरिटी आप लोगों को आएगी। देखिए दो दो तीन चीजों का इन्होंने जिक्र किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे वो दो तीन चीजें क्या है, अगर देखिए यहाँ पे जैसे कि सबसे पहली हो गई अपोजिशन लीडर, लीडर ऑफ अपोजिशन बोलते हैं। तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है वो नॉर्मली कहीं पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ नहीं है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, खासकर लोकपाल के संदर्भ में आ गया है तो इसलिए थोड़ा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए गवर्नमेंट जो कह रही है कि हमारे पास में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है कि हम लोग लोकपाल को मतलब नियुक्त कर सके। क्यों? क्योंकि लोकपाल को नियुक्त करने के लिए प्राइम मिनिस्टर की जरूरत होती है, स्पीकर की मतलब स्पीकर के ऑफ लोकसभा की जरूरत होती है, ठीक है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन की जरूरत होती है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जरूरत होती है, फिर कोई इसकी इनकी जगह पे कोई नॉमिनी भी आ सकता है, अगर ये चाहे तो अपनी जगह से किसी नॉमिनेट आदमी को भेज सकते हैं। इसके साथ में एक एमिनेंट जुरिस्ट की भी जरूरत होती है, ठीक है ना। तो ये आदमी चाहिए जो कि लोकपाल का गठन करेंगे। तो जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वो इस जगह पे लगा हुआ है, तो ये बोल रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन है ही नहीं। लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो यहाँ पे थोड़ा आगे जिक्र किया गया उसमें, ये देखिए ये यहाँ पे जिक्र किया गया कि जो जीवी मावलेंकर जी थे ये स्पीकर थे, तो इन्होंने मतलब एक तरीके से डायरेक्शन दी थी या फिर बोला था, कोई रूल और रेगुलेशन ला नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है कि किसी भी पार्टी के पास में अगर 10% के करीब सीट है, मतलब यहाँ पे हमारे हिसाब से देखेंगे तो 54 सीटें होनी चाहिए लगभग। क्यों? क्योंकि 543 जो सीटें हैं हमारे यहाँ पे आज के डेट में जिन पे इलेक्शन लड़े जाते हैं, प्लस 2 सीट कॉन्स्टिट्यूशन
कौन सी है वो नॉमिनेशन वाली है। तो टोटल कितनी हो गई, 545 सीट हो गई। तो 545 के अगर 10% हम लगभग निकाले तो 54 सीटें हो गई। तो 54 सीट लगभग आदमी के पास में होनी चाहिए, अपोजिशन पार्टी के पास में होनी चाहिए उसको अपोजिशन का लीडर बनाने के लिए। पर लेकिन आज की डेट में जो लार्जेस्ट पार्टी है कांग्रेस है, उसके पार्ट में 44 सीटें ओनली, तो इसके पास में 10% भी सीटें नहीं है, तो अपोजिशन का लीडर कोई नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हम अमेंड इसको चेंज कर देते हैं, हम इसको चेंज कर देते हैं एक्ट को, और उसमें अमेंड करके हम लिखेंगे कि अपोजिशन का लीडर होने की जरूरत नहीं है, लार्जेस्ट पार्टी का लीडर होने की जरूरत है। और ये इसमें चेंज की बात कर रहे हैं, तो इसको लेके ये इसको अटकाए हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, कोर्ट ने ये बोला है कि देखिए इसकी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि एक्ट में खुद लिखा हुआ है, एक्ट में खुद लिखा हुआ है कि अगर मतलब अगर कोई किसी की वैकेंसी है, कि अगर कोई आदमी है नहीं अपॉइंटमेंट करने वालों में, कोई वैकेंसी है तो उसकी कोई बात नहीं है। वैकेंसी मतलब जो जिसकी अपॉइंटमेंट करनी है, अपॉइंटमेंट आप लोगों को करनी है, ये नहीं देखना है कि यहाँ पे मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है या फिर एमिनेंट जुरिस्ट नहीं है। अगर लोकपाल की नियुक्ति करनी है तो वो नियुक्ति करनी है आपको, पर लेकिन गवर्नमेंट जो है फालतू में इसको डिले किए जा रही है, ठीक है ना। एक तो ये बात हो गई, इसके अलावा क्या बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी को हम लोगों ने भेजा था इसको देखने के लिए, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास से रिपोर्ट आ गई है, उसको कंसीडर करना है। मैं 2014 में आपके रिपोर्ट हो चुकी है, उसके बाद से आप लोग कंसीडर ही कर रहे हैं, कितना लंबा कंसीडरेशन करेंगे, इतनी देर में तो फिर से दूसरे इलेक्शन आ जाएंगे जब तक आप कंसीडर करेंगे, आ जाएंगे क्या, आने वाले हैं अभी। तो कोर्ट बोल रहा है कि जब एक्ट में लिखा हुआ है अगर कोई वैकेंसी है उसके बाद भी आप लोग जो है अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, तो फिर किस लिए देरी हो रही है, ठीक है। तो इसलिए कई तरीके के इनके ऊपर मतलब वो उठाए गए हैं। तो ये यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जो आ गई है, 14 नहीं 15 है, ठीक है। तो फिर भी आप लोग डिले कर रहे हैं, तो इसी के लिए बोल रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं कि देखिए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है ना, और जो सीबीआई के जो डायरेक्टर होते हैं उनके लिए भी तो लीडर ऑफ अपोजिशन की जरूरत रहती है, वहां तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ी। एक बार थोड़ा सा सीवीसी किसके बारे में बता देता हूँ मैं, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में। देखिए जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, यहाँ पे चीजें कब से स्टार्ट हुई हैं, 2005 से स्टार्ट हुई हैं, ये याद रखेगा। क्यों? क्योंकि 2005 में हमारे यहाँ पे आरटीआई का एक्ट आया था, तो तब से लेके अपॉइंटमेंट होनी स्टार्ट हुई। तो इनका अपॉइंटमेंट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर की जरूरत होती है, लीडर ऑफ अपोजिशन की जरूरत होती है, कैबिनेट मिनिस्टर की जरूरत होती है, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर एडवाइस टू प्रेसिडेंट, मतलब इसकी जरूरत होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनको छोड़िए, जो मेन मुद्दा है वो ये लीडर ऑफ अपोजिशन, यहाँ भी लीडर ऑफ अपोजिशन की जरूरत होती है, यहाँ तो आप लोग इनको अपॉइंट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर सीबीआई के डायरेक्टर को बात करें तो वहां पे जरूरत होती है, आप लोग उसको भी अपॉइंट कर रहे हैं, वहां तो आप लार्जेस्ट पार्टी को अपोजिशन ट्रीट कर रहे हैं, फिर यहाँ पे आपको लार्जेस्ट पार्टी को अपोजिशन ट्रीट करने में क्या दिक्कत हो रही है जब आप लोग उन दो पोस्टों में ट्रीट कर रहे हैं। ये तो यही बात हो गई ना कल को कि लोकपाल आप लोगों के ऊपर आके बैठ जाएगा, इसलिए आप लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये तो एक तरीके से काम न करने के लिए बचने वाली बात हो गई। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं वही कि जो असित की बात थी कि पब्लिक जो सर्वेंट थे उसको आप लोगों ने लास्ट ईयर ही अमेंड कर दिया, जो चीज आप लोगों के खतरे की थी वो तो आप लोग पहले ही अमेंड करके बैठ गए, और जो चीज आपको लग रहा है करनी चाहिए थी वो चीज आप लोगों ने आज तक अमेंडमेंट नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं इनको लताड़ रहा है, इनको फटकार लगा रहा है, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। और यहाँ तक भी बात कोर्ट ने इनके सामने रखी कि अगर एक्ट देखा जाए, 1977 वाला एक्ट देखा जाए जो कि सैलरी से रिलेटेड है, तो उसमें लिखा क्या गया है जो कि अपोजिशन लीडर की सैलरी से रिलेटेड है, तो वहां पे डिफाइन भी किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है कि लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी को ही अपोजिशन का लीडर माना जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, रिकॉग्नाइज करेगा उसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये उस एक्ट में भी लिखा हुआ है कि किसी लीडर ऑफ अपोजिशन की जरूरत नहीं है लोकपाल को नियुक्त करने के लिए। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ये एक सच्चाई है, इनसेपरेबल इन्फेरेंस है। ये क्या है कि देखिए एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन, मतलब ओम्बुड्समैन बोला जाता है एक तरीके से लोकपाल को, कि ये हमारे देश में ऐसा नहीं है कि कोई लीगल बार है, लीगल काम है उसकी वजह से नहीं है ये, कि कोई लीगल है कि एक्ट के तहत में दिक्कत है इसलिए इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई और दिक्कत है इसलिए इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, कि पॉलिटिकल विल नहीं है, पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं चाहती है कि यहाँ पे जो है वो लोकपाल आए, तो ये पॉलिटिकल अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड हो गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल विल नहीं है चीजों को करने की। ये आर्टिकल भी काफी अच्छा है, एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने वाला आर्टिकल है। देखिए इस आर्टिकल में टैक्स के बारे में बात की गई है, और टैक्स लगाने की बात की गई है एग्रीकल्चर पे, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाने की बात की गई है। यहाँ पे हम लोगों ने अभी देखा है कि विवेक डिब्रोए जो कि नीति आयोग के मेंबर है, तो उनकी क्या आई थी अभी एक मतलब एक तरीके से टैक्स के बाद ऊपर बात आई थी कि टैक्स लगा दो, इनकम टैक्स लगा दो एग्रीकल्चर पे। उसका रीजन कई सारा बोला जाता है, एक तो हमारे यहाँ पे जो टैक्स का बेस है ना वो बहुत ही कम है, ठीक है ना। एक दूसरा क्या है, जिनके पास जो टैक्स पे करने वाले लायक हैं वो भी आदमी टैक्स पे नहीं करते हैं,
इसके ऊपर एक जज की स्टेटमेंट भी हम लोगों ने पढ़ी थी उस टाइम पे, उन्होंने बोला था कि हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जो टैक्स पे करने लायक है वो भी टैक्स नहीं पे करते हैं, तो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, क्योंकि यार वही इस टैक्स से तो जनता के, उसके गवर्नमेंट के पास में पैसा आता है जिसको फिर जनता के लिए यूज किया जाता है, अगर उनके पास में पैसा नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो इसी को देखते हुए एग्रीकल्चर पर टैक्स की बात जब इन्होंने की तो अरुण जेटली जी ने एकदम क्विकली उसको क्या किया, डिसमिस कर दिया, बोला कि ये हो ही नहीं सकता है, ये हमारे हाथ में ही नहीं है। फिर इसके बाद में जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है अरविंद सुब्रमण्यम जी, यही वही आदमी है जो कि इकोनॉमिक सर्वे पे भी जिनके सिग्नेचर रहते हैं, ठीक है ना, तो इकोनॉमिक सर्वे को लिखने वाले आप लोग बोल सकते हैं, तो उन्होंने भी बोला कि जो देखिए, उन्होंने भी क्लियर किया था जो टैक्स है वो फार्मर पे वो स्टेट का सब्जेक्ट है, वो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि ये बात सही है कि ये एकदम मतलब इनके ऊपर अगर आएगी तो देखिए हमारे फार्मर है, मार्जिनल फार्मर है, पुअर फार्मर है, तो उनको दिक्कत पड़ेगी, ठीक है ना, तो उनके ऊपर डिस्ट्रेस आएगा, वो एक देखने वाली बात है, तो ये एक टैक्स वाला इशू नहीं है। ये बोल रहे हैं कि टैक्स आप लगाने की बात करें, टैक्स वाला इशू हो ही नहीं सकता है, ये एक स्ट्रक्चरल इशू है, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल इशू बोल रहा है, देन टेक्सचुअल इशू, मतलब टैक्स वाला इशू नहीं है, यहाँ पे टैक्स की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। टैक्स की कोई प्रॉब्लम कैसे नहीं है, अगर कोई आदमी कैपेबल है, अगर कोई आदमी जानता है, मतलब जिसकी कंडीशन सही है, तो टैक्स देने से डरेगा थोड़ी ना वो, ठीक है ना, पर पहले तो सबसे बड़ी कंडीशन ये है, आपने स्ट्रक्चर इतनी खराब कर रखी है एग्रीकल्चर की, आज तक उसको सुधारने की सोची नहीं है, तो ये बात यहाँ पे कर रहे हैं। अभी आगे आगे आप लोगों को समझ में आएगी बोलना क्या चाह रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि रिच फार्मर पे टैक्स लगाएं तो थोड़ा टैक्स का बेस है जो नैरो है बहुत ज्यादा, उस पर थोड़ा फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, ये बहुत एम्ब्रेसिंग है, ठीक है ना, इतना कम बेस है। आगे क्या बोल रहे हैं कि देखिए जो अप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी है वो एक एक मतलब डिफरेंस भी क्रिएट करेगी कौन रिच फार्मर है और कौन पुअर फार्मर है। आज की डेट में सब्सिडी बहुत सारी रहती है जो पुअर फार्मरों के लिए दी जाती है, पर रिच फार्मर खा जाते हैं, पुअर तक पहुंचती नहीं है। ये बोल रहे हैं कि आज की डेट में देखिए 59% जो वर्किंग पॉपुलेशन है, टैक्स के बेस पे कह रहे हैं कितना कम लोएस्ट टैक्स बेस है हमारे यहाँ पे अगर वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए, ठीक है ना, तो ये आगे यहाँ पे ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये क्या बोल रहे हैं कि ये अननेसेसरली जो बर्डन करता है ये फॉर्मल सेक्टर पे बर्डन करता है, फॉर्मल सेक्टर पे जिस पे ऑलरेडी इतना ज्यादा बर्डन है उस पे टैक्स बढ़ाने की बात करते रहते हैं कि और ज्यादा टैक्स बढ़ा दो। फॉर्मल सेक्टर कौन सा होता है, एक तो होता है फॉर्मल सेक्टर, दूसरा होता है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर वही होता है जहां पे आप लोग बोल सकते हैं एक ऑर्गेनाइज सेक्टर भी इसको दूसरे तरीके से बोला जाता है, जहां पे सब चीजें प्रॉपर वे में होती है, जहां पे जिस तरीके से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ले लीजिए, ONGC ले लीजिए, कोई भी कंपनी ले लीजिए, इस तरीके से ONGC ले लीजिए, सेल ले लीजिए, BSNL ले लीजिए, फिर प्राइवेट कंपनी ले लीजिए कोई भी, इस तरीके से विप्रो ले लीजिए या फिर इन्फोसिस ले लीजिए, TCS भी आप लोग बोल सकते हैं कुछ हद तक, ठीक है ना, तो ये वाली जो हो गया तो ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, इन पे टैक्स लगाना, फिर वही बात होगी कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, जिनको टैक्स के अंडर में लाना चाहिए उनको हम एग्जाम्स दे रहे हैं, उनको हम टैक्स के अंडर में ला नहीं रहे हैं, तो इस तरीके से जो अच्छा खासा काम कर रहा है उस पर बर्डन बढ़ेगा, तो कल को वो सेक्टर भी काम करना बंद कर देगा, और जिस दिन उस सेक्टर ने काम करना बंद कर दिया फिर आपके पास में क्या सोल्यूशन रहेगा, ये तो वही बात हो गई ना, एक बेटा तो नकारा है और दूसरा बेटा अच्छा खासा है, अगर अगर हम सारा बर्डन इस पे जो अच्छा खासा बंदा है जो कि ठीक ठाक है जॉब कर रहा है अच्छा खासा कमा रहा है, अगर हम इसके ऊपर सारा बर्डन डाल देंगे, इसका भी बर्डन और सारी दुनियादारी का बर्डन इसके ऊपर डाल देंगे, तो कल को इसकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी ये भी हाथ खड़े कर देगा कि मेरे बस की तो है नहीं भैया, मेरे से काम नहीं हो रहा है, तो आप तो इस तरीके से काम कर रहे हैं कि जो काम कर रहा है ढंग से उसके ऊपर सारा बर्डन डाल रहे हैं और जो नकारा है उसको बिल्कुल ही उस पर हाथ लगाने के लिए तैयार ही नहीं है, तो ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं, थोड़ा सा इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा इसको, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहे हैं कि एट द सेम टाइम देखिए क्या बोले, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है, मतलब यहाँ से ये वही बात हो गई कि इसका भी बर्डन इसके ऊपर डाल रहे हैं, तो देखिए सोशल सेक्टर जो हो गया, सोशल सेक्टर वो सारा इसके हिसाब से आ गया, एक तरीके से देखा जाए जो एक तरीके से मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहा है, सेक्टर जो सा बिल्कुल गड्ढे में जा चुका है, वो सारे गवर्नमेंट की वजह से आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, लोन माफ कर देती है, तो लोन माफ आप लोग कर देते हैं, आप लोग जैसे हम पहले ही बता चुके हैं, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ, अच्छे सीड प्रोवाइड कराओ, तो प्रॉपर केयर प्रोवाइड कराओ, वहाँ पे उनको नॉलेज प्रोवाइड कराओ कि क्या करना चाहिए, वो तो आप करते नहीं है, लोन माफ कर देते हैं, ये कौन सा सोल्यूशन होता है, तो ये भी बात कर रहे हैं कि ये वाला बर्डन भी सारा इसके ऊपर आगे पड़ता है, फिर जो कि एक फॉर्मल सेक्टर है जो कि एक अच्छा खासा काम कर रहा है, तो ये सारी टैक्स की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड नहीं है कि टैक्स कहाँ लगाना चाहिए कहाँ नहीं लगाना चाहिए, ये स्ट्रक्चरल इशू है, स्ट्रक्चर को चेंज करना है आपको, तो पॉलिसी मेकर जो है उनको स्ट्रक्चरल इशू पे फोकस करना चाहिए जो कि स्ट्रक्चरल इशू है, ठीक है ना। इसमें स्ट्रक्चरल इशू में सबसे बड़ी जो क्या है वो सप्लाई चेन की बात है, अगर किसान के वहां से टमाटर चलते हैं, ठीक है ना, किसान के वहां से अगर आलू चलते हैं तो वो अगर मार्केट तक पहुंचते हैं, यहाँ से चलते हैं वो 3 रुपए किलो 4 रुपए किलो, तो इस हिसाब से चलते हैं, वहां से मार्केट में आते आते 20-25 हो जाते हैं, तो मिडिल मैन सारा खा जाता है, तो उन तक पैसा पहुंचता ही नहीं है जिनका पैसा है वो, तो ये वाला चेंज करो, ये मिडिल मैन को यहाँ से हटाओ, ये वाले चेंज करने की जरूरत है, और जो एग्रीकल्चर को एक सस्टेनेबल एंटरप्राइज बनाओ, एक प्रॉपर वे में लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं कि लोन माफ कर दिया और बस खुश कर दिया जनता को, काम खत्म हो गया, तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन सोचो,
और आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए अगर टैक्स हाई रहेगा, हाई इनकम जो फार्मर है उनके ऊपर, तो वो रिजल्ट करेगा ड्राइविंग फोर्स। देखिए एग्रीकल्चर जो आज की डेट में एग्रीकल्चर सेक्टर रिसोर्सेज के बारे में बात करें, तो उसी में मतलब अगर टैक्स ज्यादा रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा, उसमें और ज्यादा इन्वेस्ट किया जा सकता है। और उसके अलावा फिर ये अलग बात कर रहे हैं, देखिए अगर किसी उस पर लोन लगाया जाएगा, एक तरीके से टैक्स लगाया जाएगा, तो एक चीज और निकल के आएगी। देखिए बहुत सी हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी, एक लेबर की बात होती है, एग्रीकल्चर लेबर की बात होती है। मतलब बहुत से तो आदमी ऐसे होते हैं उनको बेचारों कुछ करने को नहीं मिलता है, एक घर में मान लीजिए चार आदमी है, करने को कुछ मिल नहीं रहा है, फिर जॉब नहीं मिल रही, तो क्या करेंगे, चारों के चारों खेती में लगे रहते हैं। तो इस तरीके से एक आप प्रोडक्टिविटी घटा रही है अपने ह्यूमन बीइंग की, मतलब सब खेती में लगे हुए हैं, उनको जो करना चाहिए वो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ये भी यहाँ पे बात बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में भी जिक्र कर रहे हैं कि पहले यार उन पे भी फोकस करो थोड़ा सा, कि उनको कुछ अलग चारा दो, कुछ उलग करने को मिले उन्हें, वो वहां पे लगे हुए फालतू में, जबकि उनके पास अगर कोई और काम रहेगा तो फिर और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी की वजह से भी बहुत सारे आदमी एग्रीकल्चर में घुसे रहते। यही बात हमने इकोनॉमिक सर्वे का जब लेक्चर डिस्कस किया था उसमें देखी थी। अगर वही बात देखिए, जैसे कि अगर हमारे यहाँ पे डिफरेंस क्या था, जब मैंने आप लोगों को बताया था, वहाँ पे डिफरेंस ये है, हमारे यहाँ पे जो स्टेट है, तो उनके अंडर की जो बाउंड्री है वो बहुत ज्यादा तगड़ी है, एक दूसरे दूसरे स्टेट में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब नोटंकी करनी पड़ती है यार, मतलब छुप रुक के ले जाते हैं। वही देख लीजिए, अगर कोई बियर वगैरह, मतलब जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ ओनली आपके पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए, आप लोग ज्यादा से ज्यादा समझे, अगर दिल्ली से बियर लेके कोई जा रहा है तो उसको छुपा उपा के लेके जाना पड़ता है, क्योंकि एक क्रॉस वो हो गया, अगर यूपी में जा रहा है कोई, पंजाब में जा रहा है, तो काइंड ऑफ चीजें। तो मतलब अगर एक फ्री एंट्री हो, कोई कहीं पे भी कुछ भी लेके जा सके, तो वो एक तो वो वाली प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो गई, देखिए हमारे यहाँ पे अगर कोई एग्रीकल्चर में है तो वो इसलिए है क्योंकि उसके पास में ऑप्शन नहीं है। हमने चाइना का एग्जाम्पल लिया था, चाइना में जो भी इंटरनल पार्ट में रहने वाले आदमी थे, वो हम सब जाके कहाँ पे रहने लगे, जो स्पेशल इकोनॉमी जोन होता है वहां पे काम करने जाने लगे। तो उससे क्या होने लगा, वहां से पैसा कमाएंगे तो अपने एरिया में भेजेंगे, तो उस एरिया का भी डेवलपमेंट होगा। हमने ये देखा, हमारी कंट्री तो डेवलप कर रही है एज कम्पेयर टू वर्ल्ड की कंट्री की, पर हमारे स्टेट डेवलप नहीं कर रहे उतने लेवल में। क्यों? क्योंकि कुछ ही स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, तो कुछ स्टेट है, गुजरात हो गया, ये स्टेट बढ़ रहे हैं बस अपने आप, ये स्टेट बढ़ रहे हैं। और जो बाकी के स्टेट हैं, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, इनका लेवल इतना नहीं बढ़ रहा है। तो इनका लेवल इतना नहीं बढ़ रहा है, वो स्ट्रक्चर की वजह से नहीं बढ़ रहा है ना, कि आप लोग फोकस ही नहीं करके चल रहे हैं, बस कुछ एरिया पे फोकस करते हैं और एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाते हैं, वो सारे सब पे इंप्लीमेंट कर देते हैं, चाहे किसी के लिए रिक्वायर्ड हो, चाहे किसी के लिए रिक्वायर्ड ना हो। तो ये सब चीजें हमने इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस की थी। तो इसीलिए जो जहाँ पे घुसा हुआ है, अगर कोई आदमी को अगर अपॉर्चुनिटी उसको एग्रीकल्चर से छोड़ के उसको अपॉर्चुनिटी किसी और एरिया में ज्यादा मिल रही है, तो कौन एग्रीकल्चर में घुसना पसंद करेगा फालतू में यार, किसी और चीज को जाके देखना पसंद करेंगे जहां पे उनको ज्यादा अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये बोले कि उस तरीके से आप लोगों को फोकस करना चाहिए, तो फिर सब वहां पे जाना पसंद करेंगे जहां पे ज्यादा यूज हो सकता है, ठीक है ना। आइए बाकी चलते हैं नेक्स्ट वाला। देखिए सुकमा में जो अभी अटैक हुआ है उससे रिलेटेड आर्टिकल है, यहाँ पे हमारे 25 जवान शहीद हो गए थे। तो 25 जवान शहीद हो गए थे, तो कई सारी बातें बोली है, लेफ्ट एक्सट्रीम, ये इसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीम बोलते हैं, मतलब जो लेफ्ट वाली आइडियोलॉजी पर चलती है, मतलब जो देखते हैं कि वही हो गया कि बहुत ज्यादा गरीब आदमी देख रहे हैं कि हमारा छीन लिया गया है, उसके ऊपर फोकस करते हैं, लोगों को खाना नहीं मिल रहा उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो उनको लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। एक खुद का कराया हुआ क्रिएशन है, ऐसा कुछ नहीं है वैसे, आइडियोलॉजी बस बना ली जाती है एक तरीके से। तो क्वेश्चन लगाता है, बता रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क लगाता है किस चीज के ऊपर, प्रिपरेशन के ऊपर, कि कैसे हमारी प्रिपरेशन चल रही है, कैसे इक्विपमेंट है, कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, कैसी स्ट्रेटजी है सीआरपीएफ को लेके। क्यों? क्योंकि देखिए ये बात बोल रहे हैं कि 2010 की बात बोल रहे हैं, जो अप्रैल 24 को जो यहाँ पे अभी जो ये ताजा ताजा घटना हुई है, इसके बारे में क्या बोल रहे हैं कि ये हमको दंतेवाड़ा की याद दिलाते हैं। दंतेवाड़ा में भी इस तरीके की 2010 में घटना हुई थी, जहां पे 76 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। 2010 में इस तरीके की घटना हो चुकी है, कंटिन्यूअस इस तरीके की घटना हो रही है, उसके बाद भी सीआरपीएफ के 25 जवान मारे जा चुके हैं। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो आर्टिकल लिखने वाले ये कह रहे हैं कि आपकी जो प्रिपरेशन है, जो आपकी स्ट्रेटजी है, वो ढंग की है ही नहीं है। आप लोग बस पता नहीं किस तरीके से काम करके चल रहे हैं, इतना कुछ होने के बाद भी आप लोगों के नाक पे जूं ही नहीं, मतलब आप लोगों के नाक पे मक्खी नहीं रेंग रही है, ठीक है ना। तो एक तरीके से ये बात बोल रहे हैं। तो देखिए बहुत सारे स्टेट है जो कि अफेक्टेड है इस वाली चीज से, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने कई सारी चीजें और डिस्कस की थी, एक बार एरिया देख लीजिए, ये वाला देखिए, ये वाला इफेक्टेड एरिया है बहुत ज्यादा, जहाँ पे इतना एक्सट्रीम हो चुका है। हालांकि पहले बहुत बड़ा था, आज की डेट में कम हो चुका है, पर आज की डेट में कम होते हुए तो भी काफी है। यहाँ पे वर्स अफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट बोले हैं 44 है, वैसे 106 डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है, ये रेड वाला हाईली अफेक्टेड वाला एरिया है और येल्लो वाला मॉडरेट है, ठीक है ना।
तो मतलब इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, देखिए अगर यहाँ पे मेनली डिपेंडेंट किसके ऊपर पड़ जाते हैं, एक तो स्टेट पुलिस होती है, ठीक है ना, पैरामिलिट्री पर्सन रहते हैं और स्टेट पुलिस रहती है, एक तो वो ढंग से काम नहीं कर पाती है। नॉर्मली क्या देखा जाता है, अगर पैरामिलिट्री फोर्सेज को भेजा जाता है वहां पे चीजों को कंट्रोल करने के लिए भेजा जाता है, पर लेकिन जहां पे स्टेट पुलिस रहेगी लोकल इन्फॉर्मेशन तो मैक्सिमम स्टेट पुलिस को रहेगी ना, स्टेट पुलिस साइड में हट जाती है, वो बोलती है हमारे हिसाब का काम नहीं है, इनको पैरामिलिट्री फोर्सेज को इसको वो करने दो, जबकि वो काम स्टेट पुलिस को देखना चाहिए। एक तो वो बात हो गई, दूसरी बात क्या हो गई, इसके अलावा जहां जहां पे भी माओइस्ट अफेक्टेड एरिया है, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं माओइस्ट अफेक्टेड एरिया है, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया है यहाँ पे बिहार में भी हो गया, यूपी में भी थोड़ा पोर्शन कह सकते हैं आप लोग, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में ले लीजिए एरिया, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में ले लीजिए, तो ये इतने सारे एरिया हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ की जो पुलिस है उन सबको मिलकर काम करना चाहिए, एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, मान लीजिए एक छत्तीसगढ़ अपना अलग प्लान बना रहा है, छत्तीसगढ़ अपना अलग प्लान बना रहा है, झारखंड अपना अलग प्लान बना रहा है, बिहार अपना अलग प्लान बना रहा है, उड़ीसा अपना अलग प्लान बना रहा है, तो माओइस्ट की तो जो आइडियोलॉजी है वो एक ही जैसी है ना, वो एक दूसरे से दूसरे स्टेट में निकल लेते हैं, तो सबको एक जैसी आइडियोलॉजी, सबको एक जैसा प्लान बनाना चाहिए और सबको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे इस तरीके की एक्टिविटी होगी तो क्या हम तो हमारे लोगों की क्या रिएक्शन निकल के आनी है, ठीक है। तो इस तरीके की ये बात कर रहे हैं, और सबसे आगे फिर बात क्या कर रहे हैं, ये बोले कि माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल जो होते हैं, MPV बोला है इसको, ये होते हैं एक तरीके से, आप लोग देख लीजिए एक बार, ये देखिए टाटा के द्वारा बनाया गया है, तो ये ऐसा होता है कि मतलब इसके ऊपर अगर कोई मतलब छोटा मोटा बम भी डाला जा रहा है तो इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है, गोली का तो कोई मतलब ही नहीं है इम्पैक्ट डालने का, तो इस तरीके के जो व्हीकल हैं, तो इस तरीके के व्हीकलों की बहुत कमी है उनके पास में। बोला क्या जा रहा है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि लगभग 350 व्हीकल मतलब ये सैंक्शन किए गए थे, ठीक है ना, तो अब तक जो पहुंचे हैं वो 122 पहुंचे हैं, 122 में CRPF के पास पहुंचे हैं, और 122 में से भी डोजन मतलब 12 के करीब तो कहाँ कर दिया, जम्मू और कश्मीर में जो सिचुएशन खराब हो रखी है वहां पे शिफ्ट कर दिए गए हैं, तो इसका मतलब इंपोर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कहाँ पे क्या पढ़ना है। तो आगे क्या बोले हैं कि डेडिकेटेड जरूरत है मिनिस्ट्री की, आपको एक तो ये याद रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, ठीक है ना, तो वही बात बोल रहे हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बोला है, देखिए जो कैपेबिलिटी है माओइस्ट अफेक्टेड वाले जो एरिया है वो सब अगर सारे मिलकर काम करेंगे तो जो जो काम है वो बहुत आसान हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है स्टेट पुलिस को मिलकर काम करना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर काम करना चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने आप में ढंग से देख के रखना चाहिए, तो यही बात बोली गई है कि तभी जाके जो ऑपरेशन है उसको ढंग से टैकल किया जा सकता है। बट हो क्या रहा है, जिनको मिलकर साथ में काम करना चाहिए वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट पड़े हैं, जैसे कि स्टेट जो पुलिस है वो कुछ करना ही नहीं चाह रही है, होना क्या चाहिए, एक इंस्टीट्यूशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, ठीक है ना, इंटेलिजेंस शेयरिंग होनी चाहिए स्टेट और रीजन के बीच में, क्योंकि कोऑर्डिनेटर, क्योंकि क्या रहता है, देखिए स्टेट को पता होता है लोकल में क्या हो रहा है, रीजन में पता होता है क्या हो रहा है, तो इसलिए उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तब इसको जाके हैंडल किया जा सकता है। इंटेलिजेंस गैदरिंग होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या होने वाला है, जब एक्टिव होते हैं तब काम हो जाता है, इससे पहले कोई एक्टिव नहीं होता, ये बड़ी गंदी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी तब तक कोई स्टेप्स लेना सोचता ही नहीं है, ठीक है ना, क्लियर एविडेंस नहीं मिलते हैं लोगों को क्या चल रहा है, तो स्ट्रेटजी लगा के नहीं चलते हैं, देखिए जो घात लगा के बैठा है वो अपना काम करके निकल जाता है, अगर उनके अगर इस तरीके से इनके पास में इनएडिक्वेट इन्फॉर्मेशन रहेगी, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, टेक्नोलॉजी ढंग से नहीं रहेगी, इंक्लूडिंग ड्रोन की बात करें, ड्रोन से वहां पे देखा जा सकता है आसपास वाले एरिया में क्या हरकतें चल रही है, पर उसका यूज ही नहीं किया जाता है ढंग से, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है पर उसका यूज ही नहीं किया जाता है, तो वो सारी बातें बोल रहे हैं कि जो सर्विस, देखिए CRPF के जो जवान शहीद हुए हैं वो एक मतलब अपनी जगह उनकी सर्विस है, उनका सेक्रीफाइस है, उसको भूला नहीं जा सकता है, पर लेकिन जो होम मिनिस्ट्री है उसके लिए वेकअप कॉल है, उसको जाग जाना चाहिए, बहुत हो चुका है ये, इतने सारे जवान मारे जा रहे हैं डे बाई डे में, तो बच्चे से इक्विपमेंट यूज करने चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए, ढंग से ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्ट्रेटजी प्रॉपर वे में बनानी चाहिए, और सेंट्रल स्टेट को भी मिलकर काम करना चाहिए, तो ये बातें अब यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये कंप्लीट आर्टिकल हो गया। आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि मैंने आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, पहले तो ये बताना है छत्तीसगढ़ और झारखंड किस किस स्टेट से अलग होके बने हैं और किस किस टाइम बने हैं, ठीक है ना, एक तो क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया जो लोकपाल के ऊपर हमने आर्टिकल डिस्कस किया, आप लोगों को बताना है कौन सी कंट्री है, ये मैंने डिस्कस किया था कौन सी कंट्री है जहाँ पे सबसे पहले लोकपाल या ओम्बुड्समैन आप लोग कह सकते हैं जो कि इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए, और इसके अलावा आप लोग ये भी बता सकते हैं कि जो झारखंड है उसको, झारखंड या छत्तीसगढ़ को कितने स्टेट टच करते हैं, कितने स्टेट की बाउंड्री टच करती है, ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय।